हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन बिजी मॉम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है क्योंकि हम करने वाले हैं एक मिनी रिव्यू जो कि है रूप मंत्रा जीरो पिंपल जेल का। एंड आप सभी को पता है कि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए थे एंड इतने ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो गए थे कि उनमें से थोड़ा थोड़ा खून भी निकलने लग गया था। तो आप सोच सकते हैं कि कैसी सिचुएशन होगी वो। एंड बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए थे, आपने मेरी काफ़ी वीडियोस में देखा भी होगा, मेरा फेस भरा पड़ा था पिंपल से। तो काफ़ी मुश्किल से ठीक हुआ ये। एंड अब मैं बात करने वाली हूँ कि क्या ज़ीरो पिंपल जेल, जो कि रूप मंत्रा की ज़ीरो पिंपल जेल है, उसने मेरे स्किन पर कुछ वर्क किया या नहीं किया। तो वो आगे मैं डिस्कस करूँगी एंड छोटा सा एक रिव्यू भी दूँगी आपको। बट उससे पहले गाइज, आपको पता है कि मेरे चैनल पर चल रहा है गिव अवे एंड जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है ऑल द बेस्ट, जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से पार्टिसिपेट कर लीजिए। वीडियो का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस पिंपल जेल के बारे में कि इसकी MRP कितनी है। तो देखा जाए तो इसकी MRP है 136 रुपीज़ एंड टोटल आपको जो क्वान्टिटी मिल जाती है वो है 15 ग्राम। तो अकॉर्डिंग टू मी ये थोड़ा सा कॉस्टली प्रोडक्ट है क्योंकि जस्ट फॉर 15 ग्राम हम 136 रुपीज़ पे कर रहे हैं एंड फिर भी अगर हमें रिजल्ट नहीं मिलता, सो आई डोंट नो। अगर मैंने जब यूज़ किया है, मुझे ये PR पैकेज में आया था, बट ऐसा नहीं है कि PR पैकेज में आया तो मैं सब कुछ अच्छा ही बोलूँगी प्रोडक्ट के बारे में। जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा इसे लेकर वो मैं डिस्कस करूँगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा पिंपल्स थे मेरे फेस पे और मैंने ये पिंपल जेल ट्राई भी की है, आप देख सकते हैं साइड पे वीडियो भी डिस्प्ले हो रहा होगा। मैंने इसे काफ़ी टाइम यूज़ किया बट ट्रस्ट मी, मुझे बिल्कुल भी रिजल्ट इससे नहीं मिला क्योंकि शायद इस वजह से, क्योंकि मेरे फेस पे बहुत ही ज़्यादा एक्नेस, बहुत ही ज़्यादा पिंपल्स थे। बट इन केस अगर जब मैंने स्टार्टिंग में इसे ट्राई किया था, स्टार्टिंग में जब मैंने इसे यूज़ किया था, उस टाइम पे जस्ट अगर एक पिंपल होता था तो मैं उस पर थोड़ा सा लगा लेती थी एंड विद इन 2 or 3 weeks वो ठीक हो जाता था। बट अगर मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका एक या दो तीन पिंपल्स हैं तब आप इसे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इन केस अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं जैसे कि मेरे फेस पर थे, तो आपको ये प्रोडक्ट ट्राई नहीं करना चाहिए क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि ये आप पे वर्क करेगा, बिकॉज मेरे पे तो ये वर्क नहीं किया। तो अगर आप फिर भी रिस्क लेना चाहते हैं, अगर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं और उस पर ये जेल यूज़ करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बट टोटली वेस्ट ऑफ मनी है अगर आप यूज़ करते हो एंड रिजल्ट नहीं मिलता तो। हाँ, अगर आपका एक या दो तीन पिंपल्स है, छोटे छोटे से पिंपल्स है, पूरे फेस पे पिंपल्स नहीं है, उस टाइम पे आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो। तो ये छोटा सा एक मिनी रिव्यू टाइप है या एक्सपीरियंस लगा लो कि जो मुझे इससे एक्सपीरियंस हुआ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड इसके अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसके अंदर टी ट्री ऑयल है, उसके अलावा आपको अनियन एक्सट्रैक्ट्स मिल जाते हैं, नीम एक्सट्रैक्ट्स हैं, फ्रूट पल्प है, मेंथोल है। मेंथोल की वजह से क्या होता है, जब भी आप इसे अप्लाई करते हो पिंपल्स पे तो एक बहुत ही ठंडक सी मिलती है जो कि इसका बेस्ट पार्ट है, क्योंकि जब हम लगाते हैं इसे तो एक कूलिंग सेंसेशन होती है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है वो है मिथाइल पैराबिन सोडियम, ट्रोपाइल पैराबिन सोडियम एंड कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट्स, नीम एक्सट्रैक्ट्स, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। एंड उसके अलावा आपको एलोवेरा है इसके अंदर, ग्रीन टी है। सो कुछ अच्छे इंग्रेडिएंट्स भी है, कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि मैंने आपको बता ही दिए। तो ये है एक छोटा सा रिव्यू इस पिंपल जेल के बारे में। बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगी, जस्ट इतना ही बोलूँगी कि इन केस अगर आपके एक या दो पिंपल्स हैं उस पे आप इसे अप्लाई करना चाहते हो देन यू शुड डेफिनेटली गो विद इट। बट इन केस अगर आपके मेरी तरह, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि बहुत ज़्यादा पिंपल्स थे, उस पे अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हो देन प्लीज़ डोंट ट्राई दिस प्रोडक्ट, क्योंकि वो आपकी मनी जो है वो वेस्ट हो जाएगी। एंड थैंकफुली मैंने कुछ प्रोडक्ट्स को चेंज करके अपने पिंपल्स ठीक कर लिए थे एंड वो भी मैं आपके साथ आगे वाली वीडियोज़ में शेयर करूँगी कि कैसे मैंने पिंपल्स को ठीक किया। टचवुड अभी इतने नहीं है, एक आध निकल जाते हैं, वो तो हर एक की स्किन में निकलता ही निकलता है। एंड बस आई होप
आप सभी को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज़ गाइज, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप और किन टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी. एंड बस, एंड आई थिंक आज टैडी डे है, तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी टैडी डे. एंड मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.